मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Hey everyone, my name is Rimi. Welcome to Joy of Frames. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे डिसाइड करें अपनी जरूरत के हिसाब से हमें कौन सा वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। तो अगर आपने मेरे वैक्यूम क्लीनर सीरीज की सारी वीडियोस आप लोग ने नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज उसे जरूर आप चेक करिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो वीडियो। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैक्यूम क्लीनर डिसाइड करने से पहले आपको फोर पॉइंट्स का बस ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो है टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर, सेकेंड बैग और बैगलेस, और थर्ड मोटर पावर और सक्शन पावर, और फोर्थ स्पेशल फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आपको किस टाइप की सफाई के लिए आपको वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। तो अगर आपको फ्लोर क्लीनिंग और कारपेट क्लीनिंग वगैरह करना है तो उस टाइप के लिए आप अपराइट वैक्यूम क्लीनर आप परचेज कर सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से अपराइट वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं वो ऑफिस वगैरह के लिए काफी सही होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स होते हैं और कारपेट होते हैं, तो उसके लिए अपराइट वैक्यूम क्लीनर ज्यादा सुटेबल होते हैं। सेकेंड, आपको अपोस्ट्री फ्लोर क्लीनिंग या फिर स्टेयर्स क्लीनिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए कैनेस्टर वैक्यूम क्लीनर अच्छा होगा। तो कैनेस्टर वैक्यूम क्लीनर में इसमें सिर्फ होस और पावर हेड मूव करने की जरूरत पड़ती है, आपको मशीन को मूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो इसके साथ आपको स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी कोनों में आप सफाई भी कर सकते हैं। कैनेस्टर वैक्यूम क्लीनर में वेट एंड ड्राई क्लीनिंग भी आता है, अगर आपको वेट क्लीनिंग करनी है तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन एक रहेगा। और अगर आपको एवरीडे क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए और आपके घर पेट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप स्टिक वैक्यूम क्लीनर ले। स्टिक वैक्यूम क्लीनर इजी टू स्टोर होता है, लाइटर टू यूज होता है और फ्रिक्वेंट यूज के लिए ये बेस्ट होता है। तो अगर आपको डेली क्लीनिंग के लिए चाहिए तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर ले। और अगर आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ घर की डस्टिंग हो और कार क्लीनिंग टाइप का अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर ले। और जो हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर होता है वो कैसे भी करके आप उसे कैरी कर सकते हैं और कहीं पे भी आप उठा करके आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको डस्टिंग वगैरह में कहीं मचान वगैरह में चढ़ के आपको कहीं सफाई करनी है तो बहुत इजिली अच्छे से साफ हो जाएगा। नहीं, बाकी सारे वैक्यूम क्लीनर को आप पूरे तरीके से आप उठा नहीं सकते हैं, मगर इस वैक्यूम क्लीनर को आप उठा के हाथ में आप बहुत इजी से, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट सा बहुत छोटा सा ये वैक्यूम क्लीनर रहता है, तो इजिली घर की पूरी डस्टिंग हो जाती है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप डस्टिंग के पर्पज से आप लेना चाह रहे हैं वैक्यूम क्लीनर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर को ले, और इससे आप कार क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको खुद कोई वैक्यूमिंग नहीं करनी है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर ले लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी सारे फ्लोर ऑटोमेटिकली सारे साफ हो जाएंगे। बस इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि सिर्फ आप इससे फ्लोर ही साफ कर सकते हैं, और कुछ कुछ रोबोट वैक्यूम क्लीनर में आप स्टेयर्स भी साफ कर सकते हैं, सारे में नहीं, कुछ कुछ में आप कर सकते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो अब मैं अपने सेकेंड पॉइंट में आती हूँ। जो दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको बैग और बैगलेस वैक्यूम क्लीनर में से कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपको परचेज करना चाहिए। बैगलेस वैक्यूम क्लीनर में आपका मनी बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको बार बार बैग खरीदने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें वॉशेबल फिल्टर होता है, और कुछ कुछ मॉडल में जो है फिल्टर रिप्लेसेबल भी होता है, तो इसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा बच भी जाता है। तो बैग वैक्यूम क्लीनर उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है जिन्हें एलर्जीज और अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इस वैक्यूम क्लीनर में आपको बैग फुल होने पर आपको बैग को रिप्लेस करना होता है या फिर आपको एम्प्टी करना होता है। तो अब मैं अपने थर्ड पॉइंट में आती हूँ। तो तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कितनी पावर का आपको वैक्यूम क्लीनर आपको लेना है और कितना उसका सक्शन पावर होना चाहिए। तो जितना ज्यादा वॉट का मोटर होगा उतना ही ज्यादा सक्शन होगा वैक्यूम क्लीनर का, और जितना ज्यादा सक्शन होगा वैक्यूम क्लीनर का उतना ही फास्ट क्लीनिंग होगी। तो अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट में आती हूँ। तो आप वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय आप कुछ स्पेशल फीचर्स भी आप देख सकते हैं। तो अगर नॉइस की आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना चाहिए कि आपको कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपको
कब नॉइज दे रहा है, तो उस हिसाब से आप वैक्यूम क्लीनर आप परचेज करें। सेकेंड जो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से इसमें टूल्स और एसेसरीज है कि नहीं है। तो अगर उस हिसाब से अगर एसेसरीज और टूल्स नहीं होगी उस वैक्यूम क्लीनर में, तो आप उससे हाई लेवल वाले वैक्यूम क्लीनर में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में अगर आप कम बजट वाला भी वैक्यूम क्लीनर परचेज कर लेते हैं, उसमें टूल्स और एसेसरीज नहीं रहती है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में आप एक्स्ट्रा एसेसरीज अगर आप परचेज करेंगे तो उतना ही वो प्राइस हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर ज्यादा है एसेसरीज की, तो आप ज्यादा एसेसरीज वाला ही वैक्यूम क्लीनर परचेज करें। और आप एडिशनल फीचर्स में आप डस्ट बैग फुल इंडिकेटर वाला फीचर्स भी ले सकते हैं, जिसमें डस्ट बैग अगर फुल हो जाता है तो वो इंडिकेट करने लगता है। तो आप डर्ट सेंसर वाला भी वैक्यूम क्लीनर आप परचेज कर सकते हैं, तो ये आपको बताएगा कि आपका वैक्यूम क्लीनर डर्ट पिक कर रहा है कि नहीं। फोर्थ, आप ऑटोकॉड वाइंडिंग भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑटोकॉड वाइंडिंग आजकल ज्यादातर वैक्यूम क्लीनर में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो किसी किसी में नहीं रहता है। तो अगर आपको जरूरत है तो इस टाइप का ही आप वैक्यूम क्लीनर आप परचेज करें। अब जैसे मैंने जो वैक्यूम क्लीनर लिया था कार्चर WD थी, तो उसमें ऑटोकॉड वाइंडिंग नहीं थी, तो मुझे एज सच इतनी जरूरत नहीं लगी। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप उस हिसाब से आप वैक्यूम क्लीनर आप परचेज करें। फिफ्थ, आप स्पेशल फीचर्स में आप हेपा फिल्टर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्थमा और एलर्जिक वाले पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। हेपा फिल्टर जो है हाई लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, और ये डस्ट पार्टिकल को वापस एयर पे जाने से रिड्यूस करता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्यूम क्लीनर आप कैसे खरीदें। बस चार पॉइंट आप ध्यान में रखिए, टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर, सेकंड बैग और बैगलेस, थर्ड मोटर पावर और सक्शन पावर, और फोर्थ कुछ स्पेशल फीचर्स। अगर आप ये चार पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदने में फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सारे वैक्यूम क्लीनर में से कौन सा वैक्यूम क्लीनर का बेस्ट मॉडल है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैं बेस्ट 5 वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर बता चुकी हूँ, और बेस्ट 5 वैक्यूम क्लीनर भी बता चुकी हूँ। तो ये सारी वीडियो अगर आप लोग ने चेक नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर चेक करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा ये सब भी वीडियो। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।